ना किसी ने लेकर के शास्त्र अध्ययन करते हैं, होगा नहीं, होना संभव नहीं है। ओ, शास्त्र अध्ययन करके भ्रमित हो जाएगा, उसका गलत व्याख्या कर बैठेंगे। बोले तो क्या हम शास्त्र अध्ययन नहीं करेंगे? ना ना, शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा, लेकिन कैसे? नहीं, भगवत चरण में समर्पित होना पड़ेगा पहले, अभिमान लेकर के नहीं। शास्त्र तो मूर्तिमंत, भगवान वाङ्मय विग्रह, भगवान के वाङ्मय विग्रह है शास्त्र। शब्द शब्द ब्रह्म, शब्द रूप में भगवान है। वहां तुम अभिमान लेकर के तुम अगर अध्ययन करोगे तो वो अभिमान, तुम्हारा वो घमंड तुमको दूसरा स्तर पर ले जाएगा। भक्ता भगवतं ग्राह्य न बुद्ध न चटिकाया, एकमात्र भक्ति के द्वारा ही भगवत तत्व को जानना संभव है। भक्ति के द्वारा, भक्ति देवी की कृपा से, जो भगवत चरण में समर्पित होते हैं तो भगवत कृपा से उनके भीतर भक्ति देवी आविर्भूत होते हैं। आविर्भूत होकर के उस सही जो तत्व विषय है उसको विदित करा देते हैं, ज्ञात करा देते हैं। देखो यह है शास्त्र का, यह मान्य है। न बुद्ध न चटिकाया, बोलते हैं बुद्धि के द्वारा भी निरूपण करके चलना संभव नहीं, ना टीका पढ़ के भी होगा नहीं। बोले टीका पढ़ के हम कर लेंगे कुछ, बोले टीका भी तुम समझ नहीं पाओगे, ऐसे है। ओ भक्ति देवी कृपा करके, भगवत कृपा से जिसको वो विदित कराते हैं शास्त्र, अंतर्निहित तात्पर्य जो, वही श्री पहुँचान सकते हैं। इसलिए समर्पित होना पड़ेगा, अभिमान छोड़ करके, हे प्रभु मैं अज्ञानी हूँ, हम तुम्हारे शरणागत हैं, तुम हमको कृपा करो, हमारे हृदय मंदिर में आकर तुम्हारे अंतर्निहित तात्पर्य जो शास्त्र है उसको तुम निरूपण करके हमको विदित करा दो प्रभु। ऐसे विनम्रता के साथ समर्पित होकर गुरु आदेश अनुसार शास्त्र अध्ययन करने से फिर देखो सही मार्ग प्राप्त करने में समर्थ होते हैं। इसीलिए हमारे शास्त्र में कहते हैं, धर्म सतत्य निहित गुहायं महाजन जैन गतिश पंथ, मतलब वो गुफा में छुपा हुआ है तो हम क्या करेंगे? हम तो अज्ञानी है, शास्त्र जानते नहीं है। वो तो महाजन जैन गतिश पंथ, महाजन जिस मार्ग अवलंबन करके गए हैं, जो आदेश तुम्हारे लिए दे के गए हैं, वो आदेश पालन करते हुए, छोटा बच्चा जैसे कुछ जानता नहीं है, रास्ता जानता नहीं है, पिता के हाथ पकड़ के, माता के हाथ पकड़ करके जैसे बच्चा चलता है तो माता पिता उसको ले जाते हैं, ऐसे ही समर्पित हो करके तुम जब अध्ययन करोगे तो तुमको सही मार्ग पर पहुंचा देंगे। महाजन जनगत सुपंत, महाजन जो हमारे आचार्य हैं, उनकी जो वाणी है, उनके जो उपदेश हैं, उनके जो जीवन चरित है, उनकी जो दिनचर्या है, उनके भजन पद्धति है, उनके जो क्रिया है, ये सब अनुशीलन करते हुए उसी मार्ग पकड़ के ऐसे ऐसे करके, जैसे हमारे सनातन गोस्वामी कैसे भजन किए हैं, कैसे साधन किए हैं, किस तरह से वैराग्य जीवन यापन किए हैं, व्यतीत किए हैं, उस मार्ग अवलंबन करके हमको भी ऐसे ही चलना है। महाजन जैन गतस्व पंथा, यही है मार्ग, महाजन मार्ग। इसीलिए ये हम लोग आचार्यों की जीवन चरित आलोचना करते हैं, जहाँ शास्त्र में उन्हें प्रवेश नहीं है, लेकिन ये महाजन जीवन चरित ये सबसे सरल पंथा है, अपना अंतकरण को शुद्धिकरण के लिए, सही मार्ग प्राप्ति के लिए सबसे सरल उपाय है। महापुरुष के जीवन चरित पर आलोचना, उनके वाणी की आलोचना करके उनके मार्ग पर चलने के लिए प्रयत्न करने का चेष्टा, ये हम जैसे जो शास्त्र नहीं जानते हैं, मूर्ख हैं, उनके लिए ये सरल मार्ग है। तो इसीलिए हम लोग यहाँ, शास्त्र तो ज्ञान तो है नहीं, तो वाणी को परिशुद्ध करने के लिए उनके जीवन चरित आलोचना करते हैं। आज श्यामानंद प्रभु की तिथि है, हमारे महाप्रभु के अंतर्ध्यान के बाद ये पास प्रभु आए थे, श्रीवर आचार्य रामचंद्र को विराज, नरोत्तम ठाकुर, हृदयानंद श्यामानंद प्रभु और रोशिकानंद प्रभु ये पास,
पास आए थे इस तरह से धर्म को रक्षा के लिए, ये सब पार्षद कोटि के थे ये पाँचों। उसके अंदर श्यामानंद प्रभु थे अद्वैत प्रभु के आवेश, अद्वैत प्रभु। बंगाल में महाप्रभु का अंतर्ध्यान के बाद बंगाल में जन्म ग्रहण किए हैं, तो उनके पिता माता जो हैं कोई कारणवश बंगाल छोड़ करके उड़ीसा में चले गए, नीलाचल उड़ीसा में, उड़ीसा में जा करके निवास कर रहे हैं। सद्गोपस्थनीय है, बड़ी सज्जन है, नाम है श्री कृष्ण मंडल उनके पिता के नाम। उड़ीसा में निवास कर रहे हैं, माता भी बहुत सती साध्वी रमणी, संतान होता है मर जाता है, संतान होता है मर जाता है, बहुत दुखी हो गए हैं, क्या कारण को समझ में नहीं आता है, बहुत दुखी हो गए, घर में कोई संतान नहीं, संतान बिना घर सुन्न है। अविद्यं जीवनं शून्य दिक् शून्य चेदवंदवा पुत्र हीनं गृहं शून्य सर्वशून्य दरिद्रता। जिस घर में पुत्र नहीं है वो घर शून्य, और सबसे बड़ा शून्यता है दारिद्रता, ये सबसे बड़ा शून्य है वो सर्वशून्य दारिद्रता। तो ऐसे गृह शून्य भाई, तो संतान तो चाहिए, कयो कयो संतान जन्म लेता है मर जाता है, बहुत दुखी हो गए। आखिर में ये श्यामानंद प्रभु ये जन्म लिए हैं। इनका नाम श्यामानंद नहीं था, माता पिता ने बहुत दुखी होने के बाद जब पुत्र जन्म लिए हैं तो पुत्र का नाम रखा दुखी, पुत्र का नाम रखा दुखी। सब घर में सब दुखी 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 करके पुकारते हो, सब दुखी। श्यामानंद नाम तो श्रीजीव गोस्वामी ने प्रदान किए हैं, श्रीजीव गोस्वामी ने। तो बच्चा बहुत सुंदर, बहुत शिष्ट, सर्वगुण संपन्न, बचपन में ही उनके भीतर अलौकिक सब क्रिया देखने में आया। हरि नाम करते ही अश्रुधारा, हरि नाम कीर्तन में बड़ी रुचि, तो माता पिता ने उसको संस्कृत अध्ययन के लिए, व्याकरण अध्ययन के लिए पाठशाला में उनको दे दिए हैं अध्ययन के लिए। अध्ययन कर रहे हैं बच्चा धीरे धीरे, शैशव से बालपन से थोड़ा किशोर अवस्था प्राप्त हुए हैं। जब किशोर अवस्था प्राप्त हुए हैं तो उनके भीतर पूर्व जात संस्कार, हरि कीर्तन में अद्भुत रुचि, हर समय व्याकुलता, कृष्ण नाम में अजस्र अश्रुधारा, रोते हैं, अष्टसात्विक विकार। माता पिता देखते हैं ये लड़का, ये तो घर में रहेगा नहीं, ये लड़का तो बड़ा अद्भुत है, दुखी। पहले तो हम दुखी हैं, फिर ये लड़का हुआ है, अगर ये भी चला जाएगा तो बहुत दुखी हो जाएंगे। इधर श्रवण किया है महाप्रभु के पार्षद, कालना में हृदय चैतन्य नामक एक महापुरुष विराजमान है, ऐसे सुने हैं। तो उनके मन में इच्छा हुई कि हम एक बार चाह करके उनको दर्शन करेंगे और उनसे कृपा प्राप्त करके हम फिर भजन साधन में लग जाएंगे। संसार में रहना तो बेकार है, यानी तो संसार है। गौरीदास पंडित हैं महाप्रभु के पार्षद, सुबल सखा, इस विषय में हम लोग आलोचना किए हैं। ये श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तो साक्षात पूर्ण ब्रह्म सनातन भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा श्रीधाम सखा अभिराम ठाकुर, और सुबल सखा हैं गौरीदास पंडित। और वो तो जानते हैं, सुन हैं आप लोग, जो गौरीदास पंडित बहुत व्याकुलित तो हो गए, महाप्रभु चले जाएंगे नीलाचल में। तो गौरीदास पंडित आग्रह किए हैं, आप दोनों चले जाएंगे तो हम कैसे जिएंगे, हमको भी साथ ले चलिए। बोलते ऐसा तो होता नहीं है, तुम गृहस्थी हो, गृहस्थी में रहकर सब छोड़ छाड़ के हमारे साथ जाओगे, ऐसा तो, बोले आपके बिना हम जिएंगे कैसे। तो बोलते हैं एक काम करो, तुम हमारे मूर्ति स्थापना करो,
और उसको पूजा करो। बोलते मूर्ति तो कुछ बोलता नहीं है, ऐसा पूजा करके क्या होगा, उसमें मन थोड़ी भरता है। सामने रहोगे तुम, तुमको खिलाएंगे पिलाएंगे, तुमसे कलह करेंगे, आदर करेंगे, झगड़ा करेंगे, ये आनंद वो मूर्ति से थोड़ी होता है। बोलता है नहीं नहीं तुम चिंता करो, मूर्ति और हम में कोई भेद नहीं है। तो बार बार जब कह रहे हैं हमें और मूर्ति में कोई भेद नहीं है तो ठीक है। बोलता काल जाना गंगा के किनारे में एक बड़ा सा पेड़ बहते आ जाएगा, उस पेड़ से तुम मूर्ति बनाना। तो अच्छा बड़ा एक कलाकार को बुला के लाए हैं मूर्ति बनाने वाले, और महाप्रभु नित्यानंद प्रभु दोनों बैठे हैं, उनको देख करके ऐसे ही मूर्ति बनाएंगे। बोले ऐसे ही मूर्ति बनाना पड़ेगा, ठीक है बनाओ। प्रसंग क्रम में आए हैं ये विषय, हम श्यामानंद प्रभु के विषय बोलना चाहते हैं। वो सुने हैं ना, श्रवण किए हैं ना, श्रवण करके उनका मन वैकुलित हो गया है, तो थोड़ा सा पूर्व विषय संबंध में थोड़ा सा आलोचना कर रहे हैं। तो बहुत दिन बैठ करके बनाए हैं नित्यानंद प्रभु और महाप्रभु के दोनों सुंदर विग्रह प्रतिष्ठा किए हैं। अब गौरीदास पंडित कहते हैं देखो तुम तो विग्रह पूजा करने के लिए कह दिया, लेकिन ये हमसे भाई होगा नहीं, तुम जैसे चले जाओगे हम किससे बात करेंगे, ये विग्रह तो बात नहीं करते। अगर विग्रह बात करता है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, ये हंसते हैं बोलते हैं तब ना। तो बोलते ठीक है तुम जिसको हो रख लो, विग्रह रख लो या हम दोनों को रख लो, तुम जब मानते नहीं हो या तो विग्रह रख लो या हम दोनों को रख लो, ठीक है बढ़िया है भाई, विग्रह से हमारा लेना देना नहीं, तुम दोनों आ जाओ। आ करके सिंहासन में बैठा दिए हैं दोनों विग्रह हो गए हैं, और दोनों विग्रह नीत गौर होकर चल दिया। अरे ये क्या, ये तो दोनों विग्रह और नीत गौर तो चल दिया। अरे भाई ऐसा नहीं, सुनो 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 सुनो, आ जाओ पकड़ के लाए। क्या भाई, तुम्हारी इच्छा तो पूर्ण कर दिया ना। अरे भाई तुमको चाहिए, हमको बात करने वाला हमारे चाहिए, महाप्रभु हमको बात करने वाला महाप्रभु चाहिए, आ जाओ तुम दोनों आ जाओ। ठीक है भाई, देखो दोबारा नहीं कुछ कहना, ठीक है देखो ठीक से देख लो, देख करके फिर रख लो, या तो वो दोनों को रखो या हम दोनों को रखो, तुम दोनों को रखेंगे। अच्छा ठीक है ले, चलो बैठा दिया दोनों विग्रह हो गया, ये दोनों नीतय गौर होकर चल दिया। अरे भाई नहीं 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 ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तुम आ जाओ, तुम दोनों आ जाओ। ये तो सखा तो गोलोक की सखा है, सुबल सखा, साधारण नहीं है। फिर लाई ऐसे ही बार बार हैरान हो गए हैं। फिर महाप्रभु हंस करके कह रहे हैं देखो तुम भ्रमित नहीं होना, विग्रह और हम में कोई भेद नहीं है, रख लो किसी को भी रख लो, तुम तुम्हारा जो मन चाहे रख लो। हम तो देखो हमको तो बहुत सारे काम करना है, जगत कल्याण करना है, जिसलिए हम आए हैं संसार में वो कर्म तो हमको करना है ना, यह तुम्हारे यहाँ बैठे रहने से काम तो हमारा संपन्न होना संभव नहीं है, इसीलिए तुम हाथ जोड़ो तुम हमको तुम्हारा जिसको संभव जिसको अच्छा लगे उसको रख लो, बस हम तो ये नहीं कह रहे हैं तुम उनको रखो हमको छोड़ दो, तुम्हारा जो मन चाहे। तब जा करके मान गए हैं, वही विग्रह अभी भी पूजित हो रहे हैं, और झांकी दर्शन जैसे बाकी बिहारी के झांकी दर्शन होता है ना, झांकी दर्शन होता है वहाँ, ऐसा नहीं आपको देखने नहीं देगा। तो वहाँ ऐसे प्रचलन है कि महाप्रभु को जो बड़े प्रेम से देखते हैं, रोते हैं, ज़्यादा ही प्रेम करते हैं, महाप्रभु उनके पीछे पीछे अभी भी चल देते हैं, ऐसा कहते हैं, इसीलिए ज़्यादा देखने नहीं देते हैं जिससे किसी का नज़र ना लग जाए। है अभी भी बोलता जिससे किसी का नजर ना लग जाए इसलिए झांकी दर्शन। तो वो तो श्रवण किया है श्यामानंद प्रभु जो ऐसे महाप्रभु के विदेशी विग्रह है, और वहाँ हृदय ये ठाकुर क्या नाम, हृदय चैतन्य उनके शिष्य है, वो विराजमान है, गौरीदास पंडित तो है नहीं, उनके चरण सान्निध्य में जाने से हमारे मनोवांछा पूर्ण हो सकता है, महाप्रभु के पार्षद है। तो कहते हैं माता पिता को हमको अनुमोदन करो, आदेश करो, हम कुछ दिन जाएंगे, सब तो दशहरा में जाते हैं गंगा स्नान के लिए, हम भी गंगा स्नान के लिए जाएंगे, जा करके गंगा स्नान करके वहाँ
हृदयानंद ठाकुर है उनसे मिल करके फिर हम आ जाएंगे। तो माता पिता कहती हैं बेटा रुक जा, जाना जानते हैं बेटा का ये दशा, अष्टसात्विक विकार, ये अष्टकंप पुलक आदि अद्भुत उनके विकार और ये कृष्ण प्रेम में मतवारा, ऐसे भावना देख करके माता पिता सोचे हैं एक बार जाने से तो फिर आएगा नहीं, तो रोकते ठीक है जाना कोई बात नहीं, माना थोड़ी है काल जाना परसों जाना, ठीक है आगे जाना। ऐसा करते करते और उनका मन तो व्याकुलित हो गया है कि अब हमको कैसे भी हो जाना पड़ेगा। तो देखते हैं माता पिता जब प्रत्यक्ष रूप में जब कुछ कह नहीं रहे हैं तो चुपचाप सड़क जाओ यहाँ से। तो एक दिन रात के अंधकार में घर छोड़ के चले आए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे, इधर उधर नाना ग्राम गंज हो के रास्ता तो उस समय था नहीं चलने का, बड़ा कष्ट से पागल प्राय हो करके हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हा कृष्ण चैतन्य महाप्रभु करके व्याकुलित चित्त वृत्ति लेकर के ऐसे घूमती 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 घूमते आए हैं खानाकुल कृष्णनगर, जहाँ अभिराम ठाकुर के श्री विग्रह जो जहाँ है। वो अभिराम ठाकुर तो उस समय नित्य लीला में प्रवेश कर गए, वहाँ आए हैं, वहाँ आ करके दर्शन किए हैं, दर्शन करके उनके मन में थोड़ा सा शांति मिली। तो आप जाएंगे घूमते 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 फिर गए हैं कालना, अंबिका कालना में हृदय चैतन्य ठाकुर के वहाँ, हृदय चैतन्य ठाकुर महाप्रभु को दर्शन करके हृदय गदगद हो गया, अश्रुकंप पुलक ऐसे अद्भुत विकार, ऐसे विकार देख के हृदय चैतन्य बाबा जो हैं वो बहुत अद्भुत ऐसे देख के बालक को देख करके मोहित हो गए। ये वर्तमान युग में वर्तमान समय में ऐसे तो देखने में आता नहीं है, ये कौन है ये, और दिखने में भी बड़ा अद्भुत छटा, दिखने में भी अद्भुत छटा, साधारण प्राकृतिक मनुष्य जैसे दिखता ही नहीं, जैसे चेहरा में देखने से ही पता चलता है जो कोई अलौकिक शक्ति संपन्न कोई महत्पुरुष ऐसे मनुष्यत्व धारण करके आए हैं। हृदय चैतन्य बाबा बड़े आदर सत्कार के साथ रखे हैं वहाँ, वहाँ सेवा कर रहे हैं। तो बोलते हैं हम रहेंगे यहाँ, हमारे लिए कुछ सेवा दे दो, हम तो ऐसे तो नहीं रहेंगे। बोलते ठीक है तुम झाड़ू पोछा करना और गंगा से सेवा के लिए पानी ले आना। तो कहते हैं पानी ढोते ढोते उनका माथे में घाव हो गया था, माथे में घाव हो गया था, फिर भी पानी लाते हैं सेवा के लिए, पुट्टी बांध करके फिर जाकर कहो जब बड़ा हो गया किसी को कहे नहीं। एक दिन हृदय चैतन्य ठाकुर बोलते तुम माथे में पट्टी क्यों बांधा है, देखो दिखते हैं घाव है, हाँ कैसे हो गया, हाय 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 हमको हमने तो इसको बड़ा सजा दिया शिवा के लिए, ऐसे समर्पित तो चित्त है। तो महाप्रभु से प्रार्थना किए बालक ठीक हो जाए, तो दीक्षा प्रदान की है, दीक्षा मंत्र उसको व्याकुलता देख करके उनके सेवा देख करके बड़े प्रसन्न हो गए हैं। उस समय ऐसे नहीं था हमारे वर्तमान समय, जैसे हम जैसे साधु जैसे हजारों को दीक्षा दे देते हैं, उस समय ऐसा थोड़ी था। दीक्षा लेने के लिए बहुत कठोर परिश्रम करना पड़ता था, बहुत परीक्षा देना पड़ता था, ऐसा थोड़ी है। उसके अंदर सब सद्गुण से भूषित है कि नहीं, सब सद्गुण संपन्न है कि नहीं, काम क्रोधादि मुक्त है कि नहीं, ये भजन हम जो पद्धति देंगे ये सही सही आचरण करेंगे कि नहीं, ये तपस्या करेंगे कि नहीं, या संसार वासना इसके मन में है कि नहीं, ये सब परीक्षण करने के बाद जब निश्चिंत हो जाते हैं कि ना ये जो आधार है बहुत सुंदर ठीक है, तभी जाके दीक्षा मंत्र प्रदान करते थे। तो ऐसे परीक्षा देने के बाद जब उत्तीर्ण हो गए तब दीक्षा मंत्र प्रदान किए, दीक्षा मंत्र पा करके तो धन्य हो गए। अब मन में एक अभिलाषा आई, मन में गुरुदेव पे कहते गुरुदेव आप आदेश करो, हम महाप्रभु के लीलास्थली महाप्रभु के पार्षद अभी दो चार हैं वृंदावन में, रघुनाथ दास गोस्वामी श्रीजीव गोस्वामी कृष्णदास कविराज गोस्वामी आदि सब महापुरुष है, इन लोग कब चले जाएंगे, अभी तो उम्र हो गया महाप्रभु का इनके पार्षद भी, तो ये शरीर रहते रहते एक बार जा करके
उनके चरण कमल दर्शन करके अपने मानव जीवन को पवित्र करूं, सार्थक करूं, आप हमको आदेश कीजिए, हम कुछ दिन के लिए वृंदावन जा करके महाप्रभु के पार्षद जो हैं उन सब के चरण कमल वंदना करके, उनके चरण कमल दर्शन करके हम अपने जीवन को धन्य करके फिर जाके लौट के आ जाऊंगा। गुरुदेव आप हमको कृपा कीजिए, आशीर्वाद कीजिए, आदेश कीजिए। आप आदेश करने से ही हम जा सकते हैं, नहीं तो हम जाएंगे नहीं। जो बाँट में पहले हम सुन रहे हैं, आपकी वाणी ऐसी भावना की है ना, कहता है वही बोल रहे तो हृदय चैतन्य वो भी तो महत्पुरुष है। दुख तो हुआ मन में, जे ऐसे प्राण सम शिष्य को हम कैसे छोड़ देंगे। अच्छा शिष्य होने से उनके प्रति एक पुत्र से भी ज्यादा स्नेह होता है, क्योंकि परमार्थ लोभी है ना, पुत्र तो संसार लोभी, लेकिन परमार्थ लोभी जो होता है उसके प्रति आकर्षण अधिक होता है। तो देखते हैं अच्छा है श्रीजी गोस्वामी के पास जाने से, उनके सान्निध्य प्राप्त करने से, कुछ शास्त्र अध्ययन करके ये जगत का मंगल करने में समर्थ का अच्छा आधार है। तो अच्छा शास्त्र अध्ययन, तो वर्तमान सबसे बड़ा पंडित है श्रीजीव गोस्वामी वृंदावन में महाप्रभु के पार्षद। तो सोचें अच्छा हुआ उनके चरण सान्निध्य में जा करके रहने से, उनकी कृपा से ये शास्त्र अध्ययन करके ये बहुत अच्छा शास्त्रज्ञ बन जाएगा, तो फिर जगत का कल्याण करने में समर्थ होगा। तो कहें ठीक है जाना श्रीजीव गोस्वामी के पास जाके रहना और सबको दर्शन करना। तो गुरु जी को प्रणाम करके फिर जाके चले हैं वृंदावन की ओर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसा करते करते हरि नाम करते करते बहुत दुख कष्ट सहन करके, उस समय वृंदावन ब्रज यात्रा उतना सहज नहीं था, बहुत कठिन, बहुत कष्टकर, बहुत दुखदायी शिकार करके तब जा करके वृंदावन में आना पड़ता था। उसमें जंगल था वृंदावन, ऐसा थोड़ी वर्तमान जैसे रास्ता घाट बस ट्रेन आदि हर प्रकार सुविधा, उसमें उतना सुविधा नहीं थी। कष्ट करके वृंदावन आए हैं, आ करके आए हैं राधा कुंड में। दास गोस्वामी उसमें वृद्धावस्था, राधा कुंड के किनार में दास गोस्वामी के चरण कमल वंदना किए हैं दास गोस्वामी। और उनका नाम दे दिया हृदय चैतन्य ठाकुर ने, उनका नाम दिया कृष्णदास नाम दिया। दीक्षा के समय उसका नाम तो पहले उनका नाम तो दुखी था ना, तो नाम दिया कृष्णदास। तो पहले नाम था दुखी और गुरुदेव नाम दिया कृष्णदास, तो दोनों मिल करके उनका नाम हुआ दुखी कृष्णदास। तो सबको ही दुखी कृष्णदास बोल करके ही उनको जानते थे। जब आए हैं रघुनाथ दास गोस्वामी के पास, उनके अवस्था देख करके तो हृदय गदगद हो गया। आह धन्य है हम, धन्य है हमारे मानव जीवन, धन्य है ऐसे महाप्रभु के पार्षद को दर्शन करने का हमारे सौभाग्य हो रहा है। मैं धन्य हूँ, मैं धन्य हूँ। उनके चरण में जा करके बहुत रोए, बहुत रोए, हृदय को संतप्त, हृदय को शांत किए। राधा कुंड में स्नान करके उनके चरण कमल वंदना करके उनके सान्निध्य में रह करके उनको बहुत आनंद प्राप्त हुआ। फिर आप चलेंगे आगे, आज तो समय हो गया, फिर काल फिर आगे हम लोग चलेंगे। हाँ थोड़ी सी हो, थोड़ी सी हो, 5 मिनट ना, 11:45 बजते है ना, अब तो बोलना ही तो है, काल फिर बोलेंगे तो हमें पूरा करना है। महापुरुष के जीवन चरित्र ये तो हमारे जीवन का आधार है, बनावटी बात नहीं है।